शासन द्वारा महाकवि कालिदास संस्कृत विद्यापीठ रामटेक को सभी प्रकार की मदद करेगा, यह विश्वास राज्य के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री उदय सामंत ने संस्कृत विद्यापीठ के कुलगुरु प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी को दिया है। 15 सितंबर को सुबह 9 बजे मंत्री सामंत रामटेक संस्कृत विद्यापीठ की प्रगति का जायजा लेने रामटेक पहुंचे थे। पत्र परिषद में जानकारी देते हुए उन्होंने यह बात कही है। इससे पहले सभागृह में उन्होंने कुलगुरु से विद्यापीठ की समस्या और प्रलंबित मामलों की समीक्षा ली। इस अवसर पर विधायक एडवोकेट आशीष जायसवाल, कुल सचिव विजय कुमार, वित्त व लेखाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र जोशी, विद्यापीठ के निर्माण विकास मंडल के संचालक डॉक्टर प्रसाद गोखले, डॉक्टर कविता होले और डॉक्टर महेश सालों के उपस्थित थे। कुलगुरु ने विश्वविद्यालय में छात्राओं और कर्मियों के लिए छात्रावास हेतु रामटेक में जमीन और निधि का जिक्र किया। वारंगा में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापन करने, विकास निधि और प्रलंबित महाकवि कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार की घोषणा का आग्रह किया। विश्वविद्यालय के अंतिम वर्षों के 1225 छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से ओपन बुक टेस्ट तरीके से होगी। इसके अलावा रामटेक गढ़ मंदिर स्थित नगर परिषद के कब्जे वाला कालिदास स्मारक और परिसर संस्कृत विश्वविद्यालय को संचालन के लिए सौंपने का प्रस्ताव भी कुलगुरु ने रखा। पश्चात महर्षि पणिनी संगणक केंद्र का उद्घाटन भी मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया है। विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर रेणुका बोकारे ने पत्र परिषद का संचालन किया है।